मेरे पास कुछ ऑब्जेक्टिव के डाउट्स भी आए हैं, मैं अभी इन्हें भी मार्क कर देता हूँ, इंडिकेट कर देता हूँ। पहले तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में से जो डाउट मुझको लिखवाए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम नंबर 9th लिखवाया गया है, 9th के बाद 26th के बाद 30, 31, 32 के बाद 40 के बाद 44 के बाद 55 के बाद 67 के बाद 77, 82 और फिर फाइनली ये सिंगल चॉइस में से इतने आए। मैं तेजी से सॉल्व करता हूं। पहले 60th पीएफपी का 60th जो मैं कर रहा था, स्टार्टिंग दैट 60th प्रॉब्लम फ्रॉम प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस सेक्शन। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 16.4, द टू आइसोटोप्स हैव गॉट मास ऑफ 16 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अबंडेंसी ऑफ दिस आइसोटोप्स। अब देखिए 16 और 18 मान लीजिए इसका है x परसेंट, इसका है 100 माइनस x परसेंट। अब इफेक्टिव एटॉमिक वेट दे रखा है 16.4। अब देखिए x, इफ यू टेक 100 एटम्स, इफ यू टेक 100 एटम्स देन x एटम वुड वे 16 amu एंड रिमेनिंग 100 माइनस x एटम वुड वे 18 amu। सो दिस इज द वेट ऑफ 100 एटम्स। सो ऑन एन एवरेज द वेट ऑफ ईच एटम वुड बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 and this must be equal to 16.4. solve for x in this case. Like this we will solve the situation. Now state whether each of the following set of quantum number is permissible for electron and atom. If set is not permissible, explain why. Which is a permissible set of quantum number? अब देखिए वहां पर हम ध्यान से देखते हैं, n equal to 1, l equal to 1, n equal to 1 के लिए l equal to 1 नहीं हो सकता, l equal to 0 ही होना पड़ेगा। So a is not permissible, a के लिए n equal to 1 और l equal to 1 जो दे रखा है यहीं पर गलती हो गई, l equal to 0 ही होना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में s सब ऑर्बिट होता है। n equal to 3, l equal to 1, b में b भी not permissible क्योंकि m equal to minus 2 दे रखा है इधर, n equal to 3, l equal to 1, अब l equal to 1 हो गया तो m equal to minus 2 ये नहीं हो सकता, m की वैल्यू इस केस में minus 1, 0 और plus 1 होगी, तो a भी permissible नहीं है, b भी permissible नहीं है। c, n equal to 2, l equal to 1, m equal to 0, s equal to half, ये permissible है, this is a permissible value। n equal to 2, l equal to 1, m equal to 0, s equal to plus half, ये permissible है। अब d के लिए n equal to 2, ठीक है, l equal to 0 भी लिखा जा सकता है, 2s, 2s में m equal to 1, एक single orbital, m equal to s, और s equal to plus 1, ये permissible नहीं है। So only c is permissible value of quantum number। ये PFP के अभी मुझसे जितने डाउट पूछे गए वो मैंने बता दिया, इसके अलावा PFP में और कोई डाउट हो तो मुझसे अलग से पूछिएगा, नो प्रॉब्लम, या फिर मैं एक सेशन और कभी लगा दूंगा डाउट का। अभी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो मुझसे पूछे गए आज के दिन, मैं उन्हें तेजी से सॉल्व कर देता हूं। नाइन्थ प्रॉब्लम, the ionization energy in ground state, the energy of electron in second orbit। अब देखिए तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 into z square by
into z square. This is ionization energy. This is E infinity minus E1 in fact. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने दे रखी है 2.18 इनटू 10 टू द पावर माइनस 18, यहां इसकी वैल्यू हमने दे रखी है अपॉन 4. Solve it. Solve it. This is the ninth objective. 26th. Angular momentum of electron in an orbital is given by. Angular momentum of electron in an orbital. ऐसा क्या ऐसा ही theory में आया ये तो ये क्यों पूछ रहे हैं? Angular momentum is denoted by L and it is given by L into L plus 1 into H upon 2 pi or under root of L into L plus 1 into H cross. So the correct answer is C. The number of unpaired electron present in ground state of chromium. Chromium एक special situation थी, बिल्कुल last वाला lecture, बिल्कुल आखिरी में जो कराया उस lecture को ध्यान से देख लीजिए, और इसमें number of unpaired electron they are 6. This is an exception. यह मैंने एक exception के रूप में discuss भी कराया है. ध्यान से लास्ट वाला लेक्चर को देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 6 दिखेंगे. इसमें कहा था हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इफ ऑल ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड इट प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी, और सभी ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड में बनाने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है. इस तरह से 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन हाफ अनपेयर्ड हो जाता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं. 31. Hund's rule deal with distribution of electron in. Hund's rule of maximum multiplicity says that pairing of electron would not take place until and unless all the orbitals are half filled. So Hund's rule deal with distribution of electron in quantum shell orbit orbital degenerate orbital. हम कहते हैं degenerate orbitals में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हो जाते. So it's degenerate orbitals. और Hund's rule इसी में maximum unpairing electron का करवाता है. Which of the following atom would be expected to be most paramagnetic? Now, for most paramagnetic, we used to say maximum number of unpaired electron. Most paramagnetic. मोस्ट पैरामैग्नेटिक होने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिक नेचर उतना ही अधिक होगा. सो मोस्ट अनपेयर्ड लिथियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होएगा, बेरिलियम में कोई होएगा नहीं, बोरॉन में एक, कार्बन में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो 32nd का सही आंसर होएगा डी एंड दैट इज कार्बन. 40. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल रिप्रेजेंट डी जेड स्क्वायर. डी जेड स्क्वायर होता है डेफिनेट शेप. 40 का डी जेड स्क्वायर इट्स डेफिनेट शेप्ड होता है. डेफिनेट शेप यहां सिक्स में दिख रहा है, सी में दिख रहा है. सी इज डेफिनेट शेप्ड. जेड का इस तरह से होता है. चलिए मैं एक और बात कराता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए. 40th एक और बार समझाऊंगा और उसके आएंगे. प्लीज मैं 40th एक और बार कराता हूं. 40th
ऑब्जेक्टिव जो मैं समझा रहा था, 3DZ² यह डेफिनेट शेप्ड ऑर्बिटल होएगा और दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, और यहां इस तरह का होता है जेड एक्सिस के अलांग और इस तरह से, दिस इज डेफिनेट शेप्ड, और यहां प्लस माइनस और इधर प्लस माइनस कुछ ऐसा होता है. So the correct answer is C. Now 44th, ionization potential of hydrogen atom is this. अब देखिए, second orbit से electron को निकालने के लिए energy बतानी है. Energy in any nth orbit is -13.6 × Z² / N² और -13.6 / N² hydrogen के लिए. अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती है E इन्फिनिटी माइनस E1 और यह हुई 13.6, ठीक है ना. E इन्फिनिटी होती है 0 और माइनस ऑफ -13.6. अब सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होगा E इन्फिनिटी माइनस E2. E इन्फिनिटी के लिए मैं लिखूंगा 0 और E2 के लिए मैं लिखूंगा माइनस 13.6 / 2² एंड दिस वुड बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड हियर इज द करेक्ट आंसर इज ए. देन 55th, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम. अब z इक्वल टू 37 है तो पहले हम लिखते हैं, दिस फॉर 55th कर रहा हूं मैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. अब 10 20 30, अब हुआ इसके बाद मैं लिखूंगा 4p6 5s1, इस तरह से लिखूंगा. अब उपाव रूल लगा रहा हूं, दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम. अब इसका n इज इक्वल टू 5, L is equal to 0, M is equal to 0 और S equal to you can say minus half or plus half. So it's 5, 0, 0, + half. अब देखिए करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, आई थिंक A is the correct answer. A is the correct answer. This is the correct set of quantum numbers. Then 67th problem mein, outermost electronic configuration of most electronegative. Most electronegative jo hote hain wah aage jaake hum periodic properties, chemical bonding wah chapter hum padhenge aur wahan par hum yeh baat samjhenge ki that halogen aur 7th group group halogens are most electronegative. कुछ चीजें जो अभी नहीं समझ में आती वो आगे जाके समझ में आ जाती है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5. In fact NH2NP5, so C is the correct answer. Then 77th, the d electron angular momentum is, for d electron angular momentum, d electron ke liye hum kahenge L is equal to 2 aur
और एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाय टू पाए, सो टू इंटू थ्री अंडर रूट ऑफ सिक्स इंटू एच बाय टू पाए. सो द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर. 77th एंड देन 82nd प्रॉब्लम. द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल इज, px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल के लिए l इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो एक ही नोडल प्लेन होगा. यह सारे प्रॉब्लम्स देखिए, अब इसी समय मल्टीपल करेक्ट आंसर में भी कुछ मेरे पास चार पांच डाउट हैं, उनको भी सॉल्व करवा देता हूं. पहले लिख देता हूं जिन्हें मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, वह प्रॉब्लम नंबर पहले लिख देता हूं इधर 93. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में ही है, यह मल्टीपल चॉइस है. 93, 98, 99, 100, 102, यह पांच डाउट्स और सॉल्व करूंगा. एंड विद दैट आई विल डिक्लेयर द फिनिश ऑफ द चैप्टर. जितने अधिक से अधिक डाउट्स आज के दिन मुझसे पूछे गए मैंने सॉल्व कर दिया, सारे ही सॉल्व कर दिए, इनफैक्ट कोई सा भी नहीं छोड़ा. अब इसके बाद आप अटेम्प्ट लगाते रहना प्रॉब्लम धीरे धीरे. अभी तो हमने बेसिक लेवल पर इस पैकेज को डिजाइन करा है क्योंकि हम 11th क्लास के ठीक स्टार्टिंग में है, पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं. धीरे धीरे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझाते जाएंगे. ओवर द रिवीजन पार्ट हम इसके डिटेल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी रखते जाएंगे और 2 साल के एंड तक ये चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगा. थ्योरी हमने अल्टीमेट लेवल पर कराई है पर प्रॉब्लम अभी हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पर स्टडी पैकेज में दिए हैं और इनका डिस्कशन भी कराया है. नोट कीजिए, मेन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कराता हूं प्लीज. 93rd ऑब्जेक्टिव मैं डिस्कस कराता हूं, ध्यान से देखें. व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू थिन मेटल फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू फॉइल. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. जब अल्फा पार्टिकल गोल फॉइल से इंसिडेंट करते हैं तो अधिकतर अल्फा रे सीधी चली जाती है, उसके क्या कारण है? अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स. ये सही है, मैं कहूंगा ये सही है. सिंस अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रास्ते में आ भी जाए तो अल्फा पार्टिकल की मूवमेंट पर कोई असर नहीं डालते, अल्फा पार्टिकल उन इलेक्ट्रॉन को लेकर ही आगे निकल जाएंगे. सिंस अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, हेंस एनी इलेक्ट्रॉन इन द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल वुड नॉट बी एबल टू डिविएट इट. इन फैक्ट अल्फा पार्टिकल वुड कैरी अवे एनी इलेक्ट्रॉन विच ऑब्स्ट्रक्ट इट्स पाथ. अल्फा पार्टिकल ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, नहीं 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 ये नहीं कह सकते, अधिकतर सीधा गए. इनफैक्ट पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से तो डिविएट हुए, कुछ भी गलत है. मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये बिल्कुल सही है. मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि अधिकतर एटम का स्पेस एम्प्टी है इसलिए अधिकतर अल्फा पार्टिकल चीजें चलेगा. अल्फा पार्टिकल मूव विद हैवी वेलोसिटी, ये इसे दिस इज नॉट द रीजन कि वो स्ट्रेट गए. हम कहते हैं ए एंड सी, दिस आर द टू करेक्ट स्टेटमेंट. आपको डाउट डेफिनेटली ए वाले में रहा होगा कि ए वाला हम क्यों मार्क कर रहे हैं. ए वाला हम सिर्फ इसीलिए मार्क कर रहे हैं कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट एंड अल्फा पार्टिकल्स आर वेरी हैवी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन वुड नॉट इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ और द मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. नाउ 98, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. देखिए रेडियस, रेडियस के लिए हम अच्छी तरह जानते हैं. द रेडियस इज गिवन बाय, रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.53 इनटू n स्क्वायर बाय z आर्मस्ट्रांग. अब n की जगह तो फर्स्ट वन कर ही दिया है, n की जगह वन कर ही दिया है. अब फॉर हाइड्रोजन
z is equal to 1, he positive के लिए z equal to 2, और lithium 2 positive के लिए z equal to 3, और beryllium 3 positive के लिए z equal to 4. Radius of first orbit is inversely proportional to z. So if z increases, radius decreases. तो मैं कहूँगा radius of hydrogen would be maximum, lesser would be helium ion, further less would be lithium ion, and the least would be beryllium ion. So correct answer is, I think, A. A is the correct answer. Take it. Which is correct for any kind of species? E2 minus E1 is less than E2 minus E3 is less than E4 minus E3. ये बिल्कुल सही statement है. ये वाला तो बिल्कुल सही दिख रहा है. जो consecutive orbits का energy difference है, वो कम होता जाता है. तो 2 और 1 का जो difference है, यह maximum होता है. इससे कम difference होएगा 3 और 2 का difference. इससे भी कम होएगा difference 4 और 3 का difference. ये तो सही है, ए वाला तो सही है पक्का. बाकी के E2 minus E1 less than E2 minus E3, ये तो उल्टा लिख रखा है, बी गलत, ये इसका उल्टा लिख रखा है, गलत है. सी में बराबर लिख रखा है, सी भी गलत. डी E2 minus E1 is 1/4 of E2 minus E3, ये फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीशीज आप स्ट्रिक्ट ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं लिख सकते हो, हर एक स्पीशीज के लिए अलग अलग लिखना होता है. तो जनरलाइज करके कि 1/4, 1/9 वो गलत है. मैं कहूंगा ओनली ए इज करेक्ट इन दिस केस. 99 का सिर्फ ए ही करेक्ट आंसर है. नाउ 100 क्वांटम नंबर एल इक्वल टू 2, एम इक्वल टू 0. एल इक्वल टू 2 मींस डी सब ऑर्बिट, और एम इक्वल टू 0 मींस थर्ड. तो एम इक्वल टू 0 आप एक बिल्कुल +1 -1 +2 -2, इसके अलावा 0. तो इसको मैं कह देता हूं डी जेड स्क्वायर, जो बिल्कुल एक अलग सा होता है इस तरह का. डेफिनेट शेट, तो सी मैं सही कह देता हूं. ये बिल्कुल अलग सा दिख रहा है. Now, the last objective of this chapter, with that I'll declare the finish of the chapter. Discussion ke saath, the first emission line of hydrogen atom in Balmer series. First emission line in hydrogen, first, Balmer series mein the first line hoti hai. Balmer series mein jo first line hai, वो 3 से 2 के लिए. सो वेव नंबर 1/λ इज रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/(n1)²-1/(n2)². सो दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/4 -1/9 और 5r/36. So I will say A is the correct answer, 5r/36. And with that, I had finished this first chapter of inorganic chemistry in 11th standard. 11th standard mein inorganic chemistry mein pehla chapter kehlata hai atomic structure. Isi ke saath isko maine finish kar diya. Iske baad hum aage ke chapters bhi dekhenge aur padhenge. I wish you all the best. आप अधिक से अधिक problems कीजिए. और वैसे इस chapter को पढ़ने से पहले basic physical chemistry भी पढ़ लिया जाना जरूरी है. Basic physical chemistry पढ़ने के बाद इस chapter को पढ़ोगे तो बहुत अच्छी understanding रहेगी. चलिए, all the best. Bye bye.